हैदर, सबसे पहले बहुत मुबारक, एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पेशावर आलमी को। पिछला मैच भी आप लोग बड़ा स्कोर चेस किया, मतलब आप फिर बड़ा स्कोर चेस किया, दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या फीलिंग है? हाँ, फीलिंग्स तो अल्लाह का शुक्र, मैं सबसे पहले अदा करता हूँ कि मेरे पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। जैसे एंड पे रदरवुड अच्छा खेला है, शुरू में इमाम भाई अच्छे खेले हैं और शेब भाई अच्छे खेले हैं, सारों की कंट्रीब्यूशन अच्छी थी। इसी वजह से हम एंड तक मैच का, हमारा यही प्लान था कि मैच को एंड तक लेके जाना है, और अल्लाह का शुक्र हमने मैच चेस किया है। वंडरफुल, आपकी ज़बरदस्त फॉर्म जा रही है और जिस तरीके से आप रेनाउंड एफर्ट्स छक्के लगाने को, वही आज भी हमने देखा, तो कुछ बताएं अपनी बैटिंग पे, ऐसा लग रहा है कि हैदर आप फर्दर इंप्रूव करते जा रहे हो? ऑफकोर्स जो पाकिस्तान का एक्सपोजर है उसने भी हेल्प किया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जब इंसान खेलता है तो उसके ऊपर उसके एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से और आपके मतलब के प्रैक्टिस अच्छी करनी शुरू हो जाते हैं इंसान के। यार मैंने अपनी जो हमारे फैंस हैं वो देखते हैं टीवी वगैरह, तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो 100% दें और अच्छे से अच्छी कर देने की कोशिश करें। पिछले सीजन में भी शोएब मलिक के साथ आपकी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही थी, एक मतलब फिर आज आप लोग क्रूशियल स्टेज पर दोनों खेलने आए, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई, तो शोएब भाई के साथ जब आप खेलते हो तो क्या चल रहा होता है दिमाग में, क्या टिप्स देते हैं आप? जी, शोएब भाई का एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है, अंदर पिच पर भी और बाहर भी पवेलियन पे भी काफ़ी कुछ वो बताते हैं कि किस हिसाब से खेलना है। अंदर तो फिर आपको पता है, वो भी रन्स भी काफ़ी थे, उन्होंने कहा जो आपकी गेम है नेचुरल वही खेलो, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा परफॉर्म भी हो और टीम भी जीत की है। आज कौन सा शॉट सबसे ज़्यादा आपको मेमोरेबल रहा, बड़े शॉट मारा? आते साथ जो मैं कवर ड्राइव मारी है पहली। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट हैदर, और यही उम्मीद है कि आगे भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ जल्दी से बताइए कि फ्यूचर प्लान्स, ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट में कोई गोल अपने लिए रखा है आपने? जी, गोल मेरा यही है कि मैंने अपने अगर बैट्समैन नहीं बन सकता, लेकिन मेरे जो टॉप फाइव में मेरे रन फिनिश करूँगा अपने। और टीम के हिसाब से टीम भी ऑफकोर्स एक पुअर स्टार्ट था, दो मैचेस जीत के ये मोमेंटम मिल गया। जी लाजमी बात है, पिछले मैच से हमारा मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो गया और आगे भी ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के बाहर ऑब्वियसली जी मेरा फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है, मैं उसको मतलब कि काफ़ी लाइक शुरू से करता हूँ, वो अभी ओपन है और जैसे वो फ्री माइंड खेलता है मैं भी उसी तरह कोशिश करता हूँ कि उसी तरह खेलूँ। थैंक यू।